अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एम आर गोड्स हैदराबाद, जो कि एक अच्छा सा व्यू आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। दोस्तों, आज जंगल में काफ़ी गांव को दूर छोड़कर हम जंगल में आए हैं, यानी पहाड़ी इलाका है ये। और इस वजह से आए हैं यहाँ पर कि कुछ लोगों की जो मेहनतें होती है वो देखने के लिए। और हमारे साथ एक जंगल के किंग भी है, जो कि उनका नाम इलियास है। उनसे भी अपन बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ इमरान भाई भी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। ये तो हमारे इमरान भाई को हर लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के आदमी हैं। और इमरान भाई हमारे को जंगल में लेके आए हैं, यहाँ की जो कि किसानों यहाँ पर जंगलों में भेड़ वगैरह चलाने आते हैं। नहीं इमरान भाई, जी और ये हमारे इलियास भाई। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई। वाले सलाम। ये इलियास भाई हमारे जंगल के किंग है। और इलियास भाई के ही खसूसन था, चलो अमजद भाई आज जंगल जाते और कुछ भाइयों से मिलते। तो इलियास भाई, ये जंगल का नाम क्या है सबसे पहले ये बताएं। ये हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर है। सफेद पहाड़ी बोलते हैं। सफेद पहाड़ी। सफेद पहाड़ी, सफेद पहाड़ी। सफेद पहाड़ी। इस वजह से देखिए दोस्तों, मैनेजर मदद ये तो साहब दिख रहा, हमारे साथ। ये तो सामने दिख रहे आप लोग, ये तो मदरसा है जो कि बच्चे इल्म हासिल करते हैं। और मैं एक पहाड़ दिखाना चाहूँगा, ये पहाड़ पे से नीचे से हम लोग चढ़ के आए हैं ऊपर कि, और फासला थोड़ा कम है उस वजह से ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इलियास भाई, और ये जो भेड़े वगैरह दिख रहे हैं अपन दूर में एकदम, हाँ तो यहाँ पर भेड़ वगैरह ही चलवाने के लिए आते क्या लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं जी बकरी भी चराते हैं और भेड़ भी चराते हैं। अच्छा, बकरियाँ और भेड़ चलाने यहाँ ही पे आते हाँ हैं, यहीं पे आते हैं। तो और खेत बाड़ी में तो नहीं जा सकते नहीं होंगे बिल्कुल कि? नहीं, अभी क्या खेत सब बोए हुए हैं इसलिए। अच्छा, खेत में फसल उठी है। अच्छा और मैं दोस्तों खेत भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए खेत में फसल वगैरह उठी हुई है। इलियास भाई, यहाँ पर खेत में कौन सी फसल उग रही है अभी फिलहाल में? ज्यादा तो यहाँ जो सर्दी के मौसम में तो जो जव होती है ना जी वो ज्यादा होती है, और अब वो जवार बोलते हैं ना उसको, जी वो होती है, और मूंग, जी चने की, चने की दाल, मूंग की हाँ दाल, और हाँ ये जवारी जवारी ये और सब ज्यादा होती है, बाजरा। बाजरा। अच्छा, ये सीज़न ये हाँ चल रहा ये है अभी। सीजन चल रहा है अब। इलियास भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ ना समझो तो आप, आपसे खूबसूरत आपके दांत अच्छा हैं ठीक है इलियास भाई, चलिए ये थोड़ा पहाड़ का व्यू बताते दोस्तों को, ये पहाड़ कैसा है। चलो एकदम पकड़ के चलना पड़ रहा दोस्तों अपने को नहीं कि जाने जान देना जाके भाई। नीचे ना गिर जाए हम लोग। इंशाल्लाह कोई किसान भाई, अगर भेड़ वगैरह चलाने वाले अगर कोई फार्मर मिलते हैं तो उनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और एक बात, हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं जी? दोस्तों देखिए भेड़ पहाड़ों पे चल रहे हैं भेड़, ठीक है। देखिए वहाँ पर दूर में देख रहे होंगे आप, किसान भाई भी बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह उनसे भी जाकर बात करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। देखिए भेड़ माशाल्लाह जंगल में चल रहे हैं, ये लोग अपनी गिज़ा की तलाशी में हैं। अल्लाह ताला ये लोगों को सेहत और तंदुरुस्त अता फरमाए, जो कि हमारे इंसानों के लिए गिज़ा की नेमत है अल्लाह की तरफ से। और ये किसानों की बोलूँगा दम चढ़ रहा है दोस्तों, बातें नहीं निकल रही है। पहाड़ी बहुत अच्छा है, और थोड़ा उससे भी अगर स्लिप होंगे हम तो गिर जाएंगे। देखिए देखिए, बाप रे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा एक रेवड़ मिला है हम लोगों को यहाँ पर। किसान भाई के एकदम करीब आ चुके हैं हम लोग, अभी चलिए इनसे कुछ थोड़ी बात करते हैं, कुछ डिटेल में जो हमसे जो पूछना होगा इंशाल्लाह ताला ये पूछेंगे। और कमेंट में कुछ सवालत हो अगर आपके तो ज़रूर कमेंट करें, हम ये भी किसानों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हजरत, हजरत आपका नाम फरमाइए। हजरत आपका नाम? हाँ तो जाने हैं जी, ये इलियास जाने हैं। अच्छा इलियास किंग जानते हैं क्या? नहीं, आप बता दे एक बार नाम आपका। इनको
अच्छा इनको पूछो माशाल्लाह। इलियास भाई का नाम क्या है हजरत का? खान जी नाम है, बाबू। बाबू खान जी, और आप हजरत ये कितने साल से काम कर रहे हैं भेड़ वगैरह का? 20 साल। 20 साल से माशाल्लाह। ये भेड़ वगैरह का काम कैसा होता है, आपको कैसा लगता है ये बता दे। बेकार ही है ये जी, बेकार ही है। अरे ऐसा ना बोले, बरकत वाली चीज है, सरकार दो आलम का काम है जी। जी अच्छा, अभी फिलहाल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा क्या माहौल जी? अच्छा अच्छा, और ये किस वजह से पाला करते हैं आप? जी पेट वास्ते पालो और अच्छा, हाँ ये बोल रहे हैं कि पेट वगैरह के लिए पालते, यानी अपनी कुछ आमदनी अपने घर परिवार चल जाए उस वजह से। ये कितने हैं सारे जानवर जी? हाँ जानवर टोटल कितने हैं? ये तो थोड़े ही है, 70 हो गए। हाँ 70 हो गए। अच्छा 70 ज्यादा लग रहे, ये तो अच्छा 70 ही है क्या? कुछ थोड़े बैठे हैं, कुछ चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखो बारिश के तरफ से भी छाता लेके अपने हाथ में निकले घर से, कहीं बारिश हो जाओ तो मैं छाते से बारिश से महफूज रहूँ। और एक बात तो देखो, अपना झोला देखिए, पानी की झोला लटका लिए कि पानी की प्यास लग जाऊँ तो पानी पी लूँ मैं। देखो इतनी मेहनतें होती किसान भाई की जी, खाना भी साथ में। हाँ जी, ये काली वाली झोली में खाना भी साथ में। तो किसानों भाइयों की ये सारी मेहनतें होती है जब जाके जानवर कोई अपने तक मिलता है, समझ रहे हो आप लोग। बस ऐसे चैनलों पे अगर इंशाल्लाह ताला और वीडियोस बनाते रहेंगे अपन लोग, हमारे चैनल को लाइक करो और सपोर्ट करो दोस्तों। ज़्यादा सपोर्ट रहने से हम लोग को क्या है मालूम है, ये ऐसे वीडियोस बनाने में और इंटरेस्ट आता और एक मेहनत करने का मन लगता है। बस इतना ही कहूँगा आज की वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त दोस्तों।